एक टॉपिक टेस्टीज, इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नॉर्मली जो टेस्टीज होती है उसमें जो टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन टू स्क्रॉटम एंड डेविएटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल डिसेंट। नॉर्मल टेस्टिस जो है वो फॉर्म होती है इंट्रा एब्डोमिनली और एट द टाइम ऑफ बर्थ वो स्क्रॉटम में रीच कर जाती है। पहले वो डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर इंग्वाइनल कैनल, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से होते हुए स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ स्क्रॉटम में पहुंच जाती है। यह उसका नॉर्मल डिसेंट है और नॉर्मल पाथवे है। लेकिन अगर टेस्टिस स्क्रॉटम में ना पहुँचे और उसके नॉर्मल जो पाथ है उससे डेविएट हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है एक्टोपिक टेस्टिस। ये बहुत ही लेस कॉमन है, इसमें टेस्टिस नॉर्मल होती है। अकॉर्डिंग टू लॉकवुड एंड ग्यूबरनिकुलम देर आर फाइव टेल्स ऑफ टेस्टिस, स्क्रॉटल टेल, प्यूबिक टेल, पेरिनियल टेल, इंग्वाइनल टेल एंड फिमोरल टेल। स्क्रॉटल टेल ये नॉर्मली मेन और स्ट्रॉन्गेस्ट टेल होती है। नॉर्मल कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। प्यूबिक टेल अटैच टू प्यूबिक ट्यूबरकल। पेरिनियल टेल ये अटैच्ड होती है पेरिनियम से। इंग्वाइनल टेल इन फ्रंट ऑफ इंग्वाइनल कैनल ये मौजूद होगी। फिमोरल टेल अटैच टू सिफेनस ओपनिंग। द स्क्रोटल टेल इज द लॉन्ग द स्क्रोटल टेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है एंड द अदर टेल्स नॉर्मली डिसअपियर एंड दैट इज़ वाई द टेस्टिस नॉर्मली डिसेंड्स टू द स्क्रॉटम। इन केस ऑफ द फोर एसेसरी टेल बिकम्स स्ट्रोंगर द टेस्टिस इज ड्रॉन टूवर्ड्स द अटैच्ड अटैचमेंट एंड कॉल्ड एक्टोपिक टेस्टिस। नॉर्मली जो टेस्टिस होती है वो पांच टेल से जुड़ी हुई होती है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है वो स्क्रॉटल टेल होती है और बाकी की चार जो टेल्स होती हैं वो नॉर्मली डिसअपियर हो जाती है। इसी वजह से आम हालात में या नॉर्मली टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम में डिसेंड कर जाती है। लेकिन अगर ये चार जो एसेसरी टेल है अगर इसमें से कोई एक स्ट्रॉन्गर हो जाए तो टेस्टिस जो है उस टेल की तरफ खिंच जाती है और वो कहलाती है एक्टोपिक टेस्टिस। पोजीशन ऑफ एक्टोपिक टेस्टिस ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच पर हो सकती है, प्यूबो पेनाइल एक्टोपिया मिल सकता है या पेरिनियल एक्टोपिया या क्रूरल फिमोरल एक्टोपिया। सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच के पास मतलब जस्ट अबाउट द रूट ऑफ द स्क्रॉटम या फिर पेनाइल एरिया में जस्ट एट द रूट ऑफ द पेनिस। पेरिनियल एरिया में मौजूद हो सकती है। इसी तरह से क्रूरल या फिमोरल कैनल में भी मिल सकती है अगर फिमोरल टेल जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी तो। सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच वाली जो होगी ये एक्टोपिक टेस्टिस ये कॉमनेस्ट टाइप है एक्टोपिक टेस्टिस की। टेस्टिस इज लेटरल टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इन प्लेन बिटवीन एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस एंड फेशियस कार्पा। जो टेस्टिस होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरोसिस और फेशियस कार्पा के दरमियान मौजूद होती है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के लेटरली मौजूद होती है और ये वजह बन होती है इंग्वाइनल टेल के खींचने की वजह से या उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। प्यूबोपेनाइल एक्टोपिया ये एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस एट द रूट ऑफ द पेनिस। यहाँ पर टेस्टिस मौजूद होती है और ये इसकी वजह जो होती है पुल ऑफ द प्यूबिक टेल या स्ट्रॉन्गर प्यूबिक टेल। पेरिनियल एक्टोपिया इन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच अंडर द फेशिया ऑफ कॉलिस एंड सुपरफिशियल पेरिनियल मसल। पेरिनियल एक्टोपिया इस कंडीशन में जो टेस्टिस होती है ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में मौजूद होती है जो कि मौजूद होता है फेशिया ऑफ स्पार्का
और सुपरफिशियल पिनाइन मसल के नीचे। स्वेलिंग जो होती है मौजूद होती है इन फ्रंट ऑफ द एनस वन साइड ऑफ द मिड लाइन, मिड लाइन की किसी एक तरफ होगी लेकिन एनस के आगे की तरफ मौजूद होगी जो पेरिनियल एरिया होता है, और इसका वजह जो होती है वो पेरिनियल टेल का स्ट्रॉन्ग या खिंच जाना। क्रूरल और फीमोरल एक्टोपिया टेस्टिस जो होती है ये एट द रूट ऑफ द थाई नियर फोसा ओवेलिस मौजूद होती है, जिसे सेफेनस ओपनिंग भी कहते हैं, सेफेनस ओपनिंग के करीब इसमें टेस्टिस मौजूद होती है, और इसका वजह होती है पुल ऑफ फीमोरल टेल या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट फीमोरल टेल। डिफरेंस बिटवीन अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड एक्टोपिक टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस जो होता है ये इसके नॉर्मल पाथवे जो होता है उसमें कहीं वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब वो उसे नॉर्मल पाथ में ही मौजूद होगी, लेकिन एक्टोपिक में ये डेविएट हो जाती है उसके नॉर्मल पाथ ऑफ डिसेंट से। अनडिसेंडेड टेस्टिस जो होती है वो यूजुअली अनडेवलप्ड होती है, जबकि एक्टोपिक टेस्टिस जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होती है। अनडिसेंडेड टेस्टिस ये स्क्रोटम और एम्प्टी मिलता है और डेवलप्ड नहीं होता, मतलब इसमें अनडेवलप्ड टेस्टिस और अनडेवलप्ड स्क्रोटम मिलता है, लेकिन एक्टोपिक टेस्टिस में फुल्ली डेवलप्ड टेस्टिस और स्क्रोटम एम्प्टी मिलता है लेकिन वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस में लेंथ ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी शॉर्ट, लेकिन एक्टोपिक टेस्टिस में यूजुअली लॉन्गर होती है लेंथ ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अनडिसेंडेड टेस्टिस में पुअर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज। एक्टोपिक टेस्टिस में परफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस होती है क्योंकि यहाँ पे टेस्टिस फुल्ली डेवलप्ड होती है। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस जो होती है इसके साथ कभी कभी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी अटैच्ड होता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसस वजानरीज जो है वो पैटेंट रह जाता है, इस वजह से कंजनाइटली इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मौजूद होता है। जबकि एक्टोपिक टेस्टिस नेवर एसोसिएटेड विथ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड हार्मोनल थेरेपी कैन बी ट्राइड इन केस ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। इन केस ऑफ एक्टोपिक टेस्टिस सर्जिकल ट्रीटमेंट इज यूजुअली सक्सेसफुल। कॉम्प्लिकेशन टॉर्जन, एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, एट्रोफी, पेन, स्टेरिलिटी एंड मैलिग्नेंसी। जो एट्रोफी होती है ये अनडेवलप्ड होने की वजह से और एब्डोमेन में टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से होती है। इसी तरह से स्टेरिलिटी की वजह जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस का ना हो पाना, जिसके नतीजे में स्टेरिलिटी डेवलप होती है। एक्टोपिक टेस्टी ये लायबल होती है इंजरी के लिए, इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है।